इसी फार्मेसी सॉफ्टवेयर में हम सप्लायर जो हमें सामान दे रहा है उसका खाता, उसके साथ लेन देन क्या है उसको देखना चाहेंगे। तो हमने ऊपर से परचेज पे क्लिक किया, यहाँ 301 पे बिल है, उसके बाद हिस्ट्री है और 303 पे कैश ट्रांजैक्शंस है। यहाँ देखें कि हम किसी भी जो सप्लायर उसका कोड लगाते हैं उसका नेम आ गया, और नीचे हम ये लास्ट पे बटन है कैश हिस्ट्री ऑल सप्लायर्स ये वाला, और कैश हिस्ट्री उसके ऊपर है सिलेक्टेड सप्लायर कि जो हमने ऊपर से सिलेक्ट किया है सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन हमें दिखाए, और इन दो डेट्स के दरमियान इन डेट्स को हम चेंज कर सकते हैं कि जितनी डेट्स हम डिफाइन करेंगे उनके दरमियान उसके साथ क्या हमारी ट्रांजैक्शन हुई, कोई बिल कोई लेन देन जो भी हुआ। तो हम फॉर एग्जांपल ये नंबर एक लगाया, हम ट्रेडर्स आ गए और कैश हिस्ट्री सिलेक्टेड कस्टमर पे क्लिक किया नीचे से, तो हमारे पास इनके साथ दो ट्रांजैक्शन है, ये एक 800 का बिल हुआ और दूसरी जो हमने पेमेंट की उसमें 100 लेस कर दिया और 700 इनको हमने पे करके क्लियर कर दिया। तो जो नीचे ये हमारे पास परचेज टैब के नीचे सप्लायर 33 नंबर पे मौजूद है, यहाँ से हम इस पे क्लिक करके शो सप्लायर्स अकाउंट्स व्यू इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम इसका कोड लगाएंगे किसी भी सप्लायर का, तो वो उसको सिलेक्ट करके हम दो डेट्स यहाँ पर दे के उसके दरमियान शो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें इनके साथ हमारी दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एक में जो 800 का बिल है, दूसरे में देखें बिल की अमाउंट ज़ीरो है और टोटल जो 700 जो हमने इनको पे किया और 100 उसमें से लेस हुआ और बैलेंस जो हमारे साथ ज़ीरो रह गया दूसरी पेमेंट की इनवॉइस है। तो अभी हम इसको देखते हैं मजीद कि ये हमारे पास 2 नंबर पे जमील ट्रेडर्स हैं और नीचे परचेज के नीचे हमने 31 इनवॉइस करने के लिए इस पे क्लिक किया और 301 बिल करने के लिए हमारे पास टैब है, यहाँ से हम इनका एक बिल करते हैं तेज़ी से। तो एक इनवॉइस नंबर हमने इनका लिखा और एक नंबर प्रोडक्ट हमारे पास 10 आई हैं और इंसर्ट, और 2 नंबर प्रोडक्ट हमारे पास 20 आई हैं इंसर्ट, और ये बिल है 470 रुपये का और हमने इसे सेव कर दिया, पेमेंट नहीं की। तो अब बाद में हम इस तरह करते हैं कि 2 नंबर हमने लगाया, इनकी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो आ रही है और जो अभी हमने बिल डाला था उसको देखने के लिए हम सिलेक्टेड कस्टमर के जो होता है बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये आखिरी 470 का बिल आ रहा और 470 हमारे इनके देने वाले बकाया हैं। तो इधर से हम अगर कोई लेस है तो वो लेस डाल देंगे, नहीं तो हम जो यहाँ ज़ीरो लिखेंगे और एंटर दबाएंगे और 470 हम जो टोटल अमाउंट है उसको पे कर देते हैं और अकाउंट बताएंगे कि किस अकाउंट से पे करना है। तो इस तरह जो इनवॉइस भी हमने बनाई और पेमेंट भी डाली, ये अलग-अलग है और इनवॉइस के अंदर भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये उनका अकाउंट इधर से हम देख सकते हैं, कैश हिस्ट्री सिलेक्टेड सप्लायर। शुक्रिया।